हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। आज के हम फोटोशॉप के इस वीडियो में जानेंगे कैसे हम किसी भी फोटो को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं स्मोक इफेक्ट में, जिसे हम ब्रश की हेल्प से क्रिएट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इस इफेक्ट को क्रिएट करेंगे और इसका पूरा का पूरा प्रोसीजर क्या है, देखते हैं वीडियो में। सबसे पहले तो हम एक न्यू फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से जो भी आपको डायमेंशंस चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से आप मेजरमेंट सेलेक्ट कर लीजिए और इसको क्रिएट कर दीजिए। मैं अपने केस में 1280x720 पिक्सल्स जो है रख रहा हूँ, ठीक है। आप अपने केस में कुछ भी रख सकते हैं। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है कैनवस आ गया है। अब इस कैनवस में मैं ग्रेडियंट फिल कर देता हूँ, तो इसके लिए मैं एडजस्टमेंट लेयर में जाता हूँ और यहाँ पर ग्रेडियंट पर क्लिक करता हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पर ग्रेडियंट को जो है सिलेक्ट करता हूँ, कौन सा ग्रेडियंट मेरे को चाहिए। आप अपने केस में कोई भी ग्रेडियंट जो है सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, जैसा इफेक्ट आप चाहते हैं। और यहाँ पे मैं ग्रेडियंट को थोड़ा सा अच्छे से फील कर देता हूँ, ये इफेक्ट रेडिकल जिसमें अच्छा लगे, ठीक है। आप अपने हिसाब से देखिएगा, जैसे आपको अच्छा लगे आप उतना ही रखिएगा, क्योंकि स्मोक इफेक्ट है तो ग्रे कलर पर और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैं ग्रे कलर जो हूँ सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने ग्रेडियंट जो है फिल कर लिया है। अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है और उसमें मैंने ग्रेडियंट फिल कर दिया है। अब ग्रेडियंट फिल करने के बाद मुझे यहाँ पे एक चाहिए फ़ोटो, तो उसके लिए चलते हैं, फ़ोटो को इम्पोर्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पर एक फ़ोटो को सिलेक्ट करता हूँ। चलिए मैं इस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये फ़ोटो मेरे पास आ गई है। अब आप फ़ोटो को अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, ठीक है, ट्रांसफॉर्म टूल की हेल्प से, कि आपको फ़ोटो कितनी शो करनी है, ठीक है। मैं इस फ़ोटो को इतना शो करना चाहता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं डन कर देता हूँ। आप अपने केस में अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको कितना करना है। अब उसके बाद मैं इसको करता हूँ मास्क। फ़ोटो को मैंने कर दिया मास्क। अब इसको करता हूँ मैं इन्वर्ट, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+I। तो देखिए इन्वर्ट सक्सेसफुल हो चुका है। अब मुझे इस फोटो को दिखाना है कैसे मेरे को स्मोक इफेक्ट में ट्रांसफॉर्म करना है, तो इसके लिए चलना होगा हमें ब्रश टूल पे, क्योंकि हम ब्रश टूल की हेल्प से ही करेंगे। ब्रश टूल मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए स्मोक के कुछ ब्रशेस हैं मेरे पास। अब यहाँ पर मैं कुछ ब्रशेस देखता हूँ। मैं इस ब्रश को सिलेक्ट करता हूँ और इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे मैं इसको फिल करना स्टार्ट करता हूँ। अब आप देख सकते हैं आपको फोटो अच्छे से विजिबल हो रही होगी। खाली इतना ही नहीं, इसमें अभी हम दोबारा से ब्रश चेंज करेंगे और यहाँ पे कोई और ब्रश सेलेक्ट करके देखते हैं। ये ब्रश थोड़ा सा सही लग रहा है, इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं और इसका एंगल जो है चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा और चेंज करना है। हाँ, इसको मैं अब यहाँ पे फिल करना स्टार्ट कर देता हूँ, जिससे कि रियलिस्टिक लगे और थोड़ा सा देखने में ये लगे कि हाँ वाकई में आपने एक अच्छा काम किया है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे फोटोशॉप में सारा का सारा काम जो है आपकी क्रिएटिविटी का है। सॉफ्टवेयर तो बस एक आपको बस यूज़ करना आना चाहिए, बाकी सारा का सारा गेम जो है फोटोशॉप में आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब मैं यहाँ पे, अब आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे से तो पूरा ऐसा लग रहा है कि यहाँ से नीचे से एक स्मोक जा रहा है और ऊपर जो है एक इमेज क्रिएट हो रही है, ठीक है। हमने नीचे की साइड का इफेक्ट जो है लगभग क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाले हिस्से में थोड़ा सा ब्रश यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पर हम किसी और टाइप का ब्रश यूज़ करेंगे। तो देख लेते हैं और कौन कौन से ब्रश हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बस आपको क्या करना है, ब्रशेस को अच्छे से फिल कर देना है। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि हमारा इफेक्ट जो है लगभग तैयार हो चुका है। अब मैं बस, अब आप खुद देख लीजिए कि हमारा इफेक्ट जो है
क्रिएट हो चुका है। इस तरीके से आप जो है किसी भी इमेज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं स्मोक इफ़ेक्ट में। काफ़ी अच्छा इफेक्ट लगता है फ्रेंड ये, इसको आप क्रिएट कीजिए। और ख़ास तौर पर इस टाइप के डिज़ाइन को अगर आप अपने वॉलपेपर में, मोबाइल वॉलपेपर में, ठीक है, डेस्कटॉप के वॉलपेपर में अगर आप इनको यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा देखने को लगता है। और हो सके तो इसका प्रिंटआउट भी निकाल के अगर आप लगा लें तो वो भी काफ़ी अच्छा देखने को लगता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने सीखा कैसे हम ब्रश टूल की हेल्प से किसी भी फ़ोटो को स्मोक इफेक्ट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप सभी का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर अभी तक आप सभी ने मेरे को इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी फॉलो ज़रूर कर लीजिए। अगर नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए तो वो भी नीचे मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।